जा। आपको पता है ये गाड़ी किसकी है? आपने हाथ दिया है इसको बिना वजह। किसकी गाड़ी है ये? सीएम सर की गाड़ी है। तो सीएम की गाड़ी है तो क्या रोकोगे नहीं? तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। चुपचाप सीएम साहब को बोलो, कोऑपरेट करेंगे। ठीक है तो आप सर से बात कर लीजिए। ठीक है, आप अपना अंदर बैठ जाओ। ऑफिसर जी मैम आ जाओ। क्या हुआ मैडम? सीएम साहब बाहर आइए, आपसे बात करनी है और आपकी गाड़ी की तलाशी भी लेनी है। तुम्हें पता है तुमने किसकी गाड़ी रोकी है? हाँ मुझे पता है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। सर जितना बोल रही हो आप उतना ही सुनिए, अभी मैं ड्यूटी में हूँ और आपका फर्ज बनता है कि आप कोऑपरेट करें हमारे साथ, तो कृपया करके आप बाहर आएं। सरकार मैं चलाता हूँ, मुझे ड्यूटी सिखा रही हो क्या? आपको हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए सर कि अगर सरकार के कोई भी नियम आते हैं तो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। पापा ये आपसे कैसे बातें कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात कि इस तरीके से बिहेव करेंगे? कोई बात नहीं, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, आओ आप लोग बाहर। चेक कीजिए मैडम। ऑफिसर जी मैम कार चेक कीजिए। ये कैसा ऑफिसर ले रखा है, वर्दी वर्दी नहीं है इसके पास, पुलिस वाले ही हो ना? हाँ जी सर पुलिस वाले ही हैं। आप तो लग रहे हो, ये नहीं लग रहा सर, ये सिविल ड्रेस में है। आपको नहीं पता सर नाकोटे के केस में हमेशा सिविल वाले ही हैं। हो गई तसल्ली मैडम, अब जा सकता हूँ मैं? सर अभी सिर्फ आपकी कार की तलाशी हुई है, आप लोग की तलाशी अभी बची हुई है, मैं आप लोग की भी तलाशी लूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सर पता है ना मैं कौन हूँ? सर आपको प्रॉब्लम क्या है, जब आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोऑपरेट कीजिए ना, क्योंकि पीछे से ऑर्डर आ रखा है और हम अपनी ऑर्डर को पूरा करेंगे। ठीक है ले लो। ऑफिसर चेक कीजिए। मैडम आगे आ जाओ। पड़ेगा क्या बदतमीजी है मैडम तुम्हारी? पता है मैं सीएम की बेटी हूँ और इस तरीके से बदतमीजी कर रही हो, और तुम दोनों की ना वर्दी एक सेकंड में उतर जाएगी। तुम जैसे तुम हमारे गेट के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, समझ में आ गई? करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ, और जब मैं नहीं करती हूँ तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। किस बेस पे तुमने हमें यहाँ पे रोका है? मैंने कोई गलत काम किया है? आपने किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम पीछे से आदेश आ रखा है कि एक सीएम की गाड़ी जा रही है जिसमें ड्रग्स है, और मुझे शक है कि कहीं वही सीएम तो नहीं है ना जिसके कार में ड्रग्स है। मैडम क्या बकवास कर रहे हो आप, ड्रग्स वर ये क्या चीज होती है, मुझे तो पता भी नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं सीएम साहब, आपको पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैडम आगे आओ। हो गई तसल्ली अब तुम्हें, कुछ मिला तुम्हें? मैडम ये बच्ची भी बची है, ड्राइवर भी आपका बचा है। अब मैं बच्ची पे शक कर रही हो? मैडम मैं शक नहीं कर रही, मेरा काम है और उम्मीद करती हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे। ये लीजिए अपना सामान, इधर आओ बेटा। के ये क्या बदतमीजी है, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। ऑफिसर यस मैम, जिस चीज की तलाश थी मिल गई, अब कुछ बोलना चाहेंगे सीएम साहब? ये क्या है? बच्चे की जेब में से निकली है टॉफी वगैरह होगी उसकी, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं है। अच्छा ये टॉफी है, पागल बना रहे हो क्या आप मुझे, ये ड्रग्स है, कैसी बातें कर रहे हो सीएम साहब, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैडम इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है? ओ अब समझ आया, ये आपकी बिगड़ेल औलाद है ना, इसको पता होगा, पूछिए इससे। बेटा ये कहाँ से आया? आपको दीदी ने दिया? ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब कुछ बोलना चाहेंगी मैडम आप? ड्राइवर को निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि असली गुनहगार तो सीएम साहब की खुद बेटी ही है। मैडम ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैडम ठीक करे या ना करे ये बताओ आप, ये कब से रखने लग गई? ऐसे संस्कार तो नहीं दिए मैंने आपको। और हाँ मैडम देखो, पॉलिटिक्स में मेरा बहुत बड़ा नाम है, रुतबा है, हर एक चीज, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो आप ले दे के यहीं रफा दफा कर दीजिए इस केस को। मैं इसकी तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ मैं आपसे। सीएम साहब आपको पता नहीं है कि अपनी बेटी को बचाने के जुर्म में ना आपको मैं अरेस्ट कर सकती हूँ। मैडम वो तो आपकी बात ठीक है, अरेस्ट कर सकते हो, मगर मेरी पोजीशन का भी तो ख्याल रखिए। किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर इतनी आपको अपनी पोजीशन का ख्याल होता ना तो शायद
अच्छे संस्कार दिए होते। आप अपनी बेटी को सारी गलत चीजें सिखा रखे हैं। पैसे के दम पे किस तरीके से बात करी थी पुलिस वाले से, क्या बोल रही थी? तुम्हारे यहाँ चौकीदार रहते हैं, वो चौकीदार नहीं रहते, तुम्हारे पापा के हिफाजत के लिए रहते हैं। लेकिन तुम लोग को लगता है कि पुलिस अगर वर्दी पहन के गेट के पास खड़ा है तो वो चौकीदारी का काम कर रहा है। कोई नहीं, अब इनकी बेटी की हिफाजत करेंगे हम काल कोठरी के अंदर। और हाँ, तुम्हें पता है NDPS के तहत 1 से 20 साल की सजा हो सकती है तुम्हें। कब से ये कर रही हो, सप्लाई करती हो, कंज्यूम भी करती हो? मैडम जो तुम बोल रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं। आप तो CM साहब की बेटी हो ना, तो आपको तो कंसेशन मिलेगा। 1 साल क्या, पूरे 20 साल की सजा मिलेगी। आखिर में ऑफर तो देना बनता है ना, सरकार के यहाँ जो ये सामान मिला है। मैडम मैं अपनी लड़की की तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ। और पापा आप इनको सॉरी क्यों बोल रहे हो, और तुम लोग अपने आप को समझ क्या रहे हो? चुप हो जाओ तुम। तुम्हें पता है मेरी क्या रेपुटेशन है? मेरी कुर्सी का सवाल है, मैं जनता की सेवा के लिए हूँ, ना कि तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस जाऊं। शर्म आ रही है तुम्हें? मैडम कुछ ले दे के यहीं रफा दफा कर दीजिए ना केस को। CM साहब, रफा दफा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी पूरी करियर खराब हो जाए। ऑफिसर अरेस्ट करो इनको, चलो तुम लोग थाने चलिए। और हाँ भाई, तू भी आ जा।